प्राइमरी सेक्टर, सॉरी, प्रोडक्शन के आधार पे जो सेक्टर्स था वो तो खत्म हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो खत्म हो गया। अब ये जो टॉपिक अभी शुरू हो रहा है ना, ये वर्किंग कंडीशन के आधार पे, और दो ही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस इन दोनों का कहानी यहाँ बुक में दिया हुआ है, अभी देख ही रहा था, ये कहानी यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, रिपीट कर दे रहे कहानी, कांता का दिया हुआ है कि कांता जो है ये ऑफिस में काम करे 9 to 5 करके, ठीक है, उसको सैलरी रेगुलर मिल जाता है महीने के अंत में। सैलरी के अलावा उसे PF मिलता है, यानी प्रोविडेंट फंड मिलता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। उसे मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है और संडे को ऑफिस बंद भी रहता है। जब छुट्टी होता है तो पेड हॉलीडेज मिल जाता है, ठीक है। ज्वाइन करते वक्त इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें काम करने का टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेनेशन के साथ था। जबकि इसका जो नेवर कमल है, कमल के केस में क्या दिख रहा है कि ये डेली वेज एक लेबर है एक ग्रोसरी शॉप में, किराना दुकान में, जहां पे टाइमिंग है 7:30 to 8 PM इवनिंग तक। इसको कोई अलाउंसेज नहीं मिलता मजदूरी के अलावा, ठीक है, कोई छुट्टी भी नहीं मिलता, डेली काम करना पड़ता है, पेड हॉलीडेज भी नहीं है और कोई लेटर वगैरह भी नहीं है। ये दुकानदार का मालिक जब भी चाहेगा दुकानदार इसको निकाल देगा। तो दोनों में कंपेयर पहले कर लेते हैं, कांता और कमल को। कांता का टाइमिंग है 9:30 से 5:30 और कमल का टाइमिंग कितना है 7:30 to 8। सुन रहे हो ना? तो दोनों का, हाँ, दोनों का टाइमिंग बताओ। हाँ, कांता का टाइमिंग कितना है, टोटल टोटल टाइम सेशन इन कांताज वर्क टाइम कितना ये कंज्यूम कर रही है। हाँ, और कमल के केस में कितना घंटा काम कर रही है, कर रहा है वो 11 घंटा है, 7 से 8 है ना, ना 11.5 12 घंटा है, 12 से भी ऊपर है। अच्छा, उसके बाद इस कमल को, कांता को हर महीने पैसा मिल जाता है, लेकिन कमल को ऐसा केस नहीं है। कांता को संडे का संडे छुट्टी भी मिलता है, लेकिन इसका रेगुलर वर्क है। कांता को बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट हैं, बट कमल को ये सब कुछ भी नहीं है। कांता को टर्म और कंडीशन भी पता है और वो फॉलो भी करता है उसका सेक्टर, बट ये नहीं करता है। तो इन्हीं दोनों को, कांता वाले केस को कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल वाले केस को कहा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसे डिफाइन हम अपने लैंग्वेज में यहाँ पे कर दिए हैं। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा प्लेस ऑफ वर्क, द प्लेस ऑफ वर्क दैट कवर्स, या प्लेस ऑफ वर्क या इंटरप्राइजेज, फैक्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, ऐसा जगह, ऐसा काम का जगह जहां पे दैट वेयर द टर्म्स एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मतलब ऐसा जगह जहां पे काम करने का जो टर्म ऑफ कंडीशन जो होता है वो रेगुलर होगा और वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी करेगा, वैसे सेक्टर को कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। थोड़ा डेफिनेशन लंबा हम बोल दिए, ऐसा प्लेस ऑफ वर्क जहां पे काम को लेकर के कंडीशन जो होगा एम्प्लॉयमेंट का रेगुलर होगा, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को पहचान सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला है कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। और ये गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनेगा, गवर्नमेंट के दिए गए लॉज के माध्यम से, गवर्नमेंट का जो लॉ है ना उसी के आधार पे वो सेक्टर क्या करेगा, नियम अपना बनाएगा और सारे वर्कर्स पे, सारा एम्प्लॉय पे उसको अप्लाई करेगा। तो ये लॉ हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ फैक्ट्री एक्ट अगर एस्टेब्लिश हो रहा है उसका एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, हेल्थ एक्ट, जितना भी एक्ट होता है ना वर्कर से रिलेटेड जो जिससे लेबर प्रोटेक्ट हो सके, वो सारा लॉ को ये फॉलो करता है अपने रूल्स के रूप में। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन कहता है, अच्छा इसके अलावा इसी के आधार पर हम देखेंगे कि इसे ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जा रहा है। ऑर्गेनाइज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे काम जो करने वाले लोग हैं रेगुलर हैं, अपने काम को ले निश्चिंत है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज कहा जा रहा है। और भी फीचर देखते हैं। दूसरा है, यहाँ पे जो वर्कर्स काम करेंगे वो कुछ सिक्योरिटी को एंजॉय करेंगे, मतलब वो जो जॉब कर रहे होंगे उस जॉब को लेकर के उनके पास कुछ सिक्योरिटी होगी, तो उसी सिक्योरिटी का ये सब एग्जाम्पल मान लो या फिर ऑर्गेनाइज का फीचर मान लो, एक ही बात है। तो सिक्योरिटी किस तरह का, तो उनका वर्किंग आवर जो होगा वो फिक्स होगा, वर्किंग आवर ज्यादा ज्यादा कितना होगा 8 आवर्स का,
वर्किंग आवर डेली का फिक्स होगा पहले से ही। दूसरा, उनको पेड ओवर टाइम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 के जगह पे कोई वर्कर 10 घंटे या 12 घंटा काम करता है तो उस एक्स्ट्रा आवर का उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तीसरा, पेड लीव, अगर अगर वो छुट्टी उनको दी जाती है या वो छुट्टी जब लेते हैं तो उस केस में उनको क्या हो जाएगा, पेमेंट उनका डिडक्ट नहीं होगा, पेमेंट उनको मिल जाएगा। चौथा, पीएफ उनको मिलेगा। पीएफ क्या होता है, मतलब पीएफ का मतलब कह सकते हो अ स्मॉल अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी एंड गिवन आफ्टर द रिटायर। मतलब कंपनी क्या करता है, एम्प्लॉयर के सैलरी से छोटा छोटा हिस्सा हर महीने डिडक्ट करता है और वही कलेक्ट होकर के जब व्यक्ति रिटायर करता है लास्ट टाइम में तो उसको सारा पैसा एक साथ कलेक्ट करके मिलता है, जिसको यहाँ पे पीएफ हम कह सकते हैं। तो पीएफ मिलता है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी, अगर बैठ जाता है घर में तो पेमेंट का कुछ हिस्सा मिलते रहता है बैठे हुए पे भी। प्रमोशन मिलता है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले इंप्लॉयज को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और क्या है? इसको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्कूल में काम करने वाला जो टीचर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगा और अनऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज में करा तो चलो अनऑर्गेनाइज का पहले समझ लेते हैं। ये जस्ट इसका अपोजिट, क्या यहाँ पे कह रहा है, अ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ द वर्क ऑफ प्लेस, मतलब ऐसा जगह जो छोटा छोटा हो और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कंट्रोल के कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो, जिसको गवर्नमेंट नियंत्रण ना कर रहा हो, उसको यहाँ पे कहा जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसका इस डेफिनेशन का जस्ट ये अपोजिट है। अगर पूछेगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो इसका अपोजिट लिख दो। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस ऑनर के आधार पे चलता है, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं है, पेड ओवर टाइम नहीं है, ओवर टाइम करोगे तो नहीं पैसा मिलेगा, मतलब ये जितना भी यहाँ फीचर्स है इसका सब अगर हम अपोजिट कर देते हैं इन सब का तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर्स हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंपेरिजन जो चल रहा था अभी, क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स है वो कौन है और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये समझना है। टॉपिक को ध्यान से सुनो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो कौन है और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसी पे अभी बात होने वाली है। तो पहले जरा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में थोड़ा डीपली और हम जानते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। ऑर्गेनाइज की बात करें, जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पे जॉब का क्रिएशन बहुत कम होता है, ये इसका ड्रॉबैक मान सकते हैं। जैसे एक छोटा सा हम अगर पॉइंट बनाए कि ड्रॉबैक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें कमियां क्या है, तो सबसे पहला कमी क्या है कि ये बहुत ही कम जॉब, ये जॉब जो है ना बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी यानी जॉब का क्रिएशन कम होता है, ये पहला इसका कमी है। दूसरा कमी क्या है कि ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज को दे अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज टू इवेड द टैक्सेस और लेबर लॉस। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है कि ऐसे ऐसे प्लान को यूज करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिससे क्या हो सके, गवर्नमेंट को जो टैक्स पेड करना पड़ता है ना उससे वो बच सके, या लेबर को जो प्रोटेक्शन देना पड़ता है लेबर लॉज के तहत उससे भी बच सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइज है, हम ये भी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज है, लेकिन क्या वहां काम करने वाले जो टीचर्स या नर्स या डॉक्टर्स होते हैं क्या वो ऑर्गेनाइज वे में काम कर पाते होंगे? प्राइवेट की बात हम कर रहे हैं, हम क्या बोले कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स लोग काम करते हैं या प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियों में जो वर्कर्स लोग काम करते हैं क्या वो ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं? नहीं। वहां क्या होता है ना कि वो जो कंपनी या स्कूल होती है ना वो क्या करता है, ऐसे ऐसे मतलब तरीका अपनाता है ना ताकि सरकार को टैक्स कम देना पड़े और वहां के जो लेबर है ना उसको रूल्स रेगुलेशन ना फॉलो करे, ताकि अगर फॉलो करेगा ना तो ढेर सारा पेमेंट देना पड़ेगा, ढेर सारा सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो स्कूल में ये सब कहाँ होता है? मतलब यहां हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर भी
अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, मतलब अपनी इच्छा से काम करता है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना दे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। मतलब ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो यहाँ तो गवर्नमेंट, यहाँ तो जो भी लेबर काम कर रहा है उसका प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, उनका तो एक तरह से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे वही जानना है कि कौन से वर्कर हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वर्कर्स का हम लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ देखो वर्कर्स का हम एक तीन लिस्ट बनाते हैं, किस तरह का वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं और उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। पहला वर्कर का जो लिस्ट है हम इसको कर देते हैं रूरल एरिया, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो लैंडलेस लेबर हो जाएगा, बंद करो ना उसको। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो कौन हो जाएगा, लैंडलेस लेबर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, छोटा छोटा वेवर्स हो गया, कारपेंटर्स हो गया, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ हो गया। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में 80% संख्या इन्हीं लोगों की है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं और सबके सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। तो इनको कैसे बचाया जा सकता है, इनको गवर्नमेंट क्या करे, इनको क्या करे, गवर्नमेंट एडिशनल सपोर्ट दे, एडिशनल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको सहयोग दे, लोन प्रोवाइड करे, पीछे पढ़ रहे थे हम टॉपिक में, लोन प्रोवाइड करे सस्ते दरों पे, इनको स्टोरेज फैसिलिटी दे दे, इनको मार्केट दे दे, इनको ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पीछे पढ़ रहे थे ना जॉब क्रिएट करने का तरीका, अगर वो सारा इनको दे दिया जाए तो ऑटोमेटिक ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है, कौन से ऐसे वर्कर्स है जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना, बोलो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो उस तरह कोई बात नहीं, अब पूरा का पूरा नहीं है तो जैसे मान लो 10 को रूल था, 10 में से 2 ही फॉलो करता है, 8 नहीं कर रहा है फॉलो, तब वो अनऑर्गेनाइज है। अगर एक आध फॉलो नहीं कर रहा तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, उससे नहीं फर्क पड़ता, वो ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे तुम्हारे पापा जो काम कर रहे हैं वो कौन सा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज है। तो जरूरी थोड़ी कि जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है सारा रूल्स रेगुलेशन आपका पापा वाले कंपनी फॉलो कर रहा होगा, कुछ पूछ के देखना, कुछ तो ऐसा रूल्स रेगुलेशन होगा जो वो फॉलो नहीं करता होगा, फिर भी एडजस्ट करके चलना पड़ता तो वो ऑर्गेनाइज ही कहा जाएगा। अब चलो दूसरा वर्कर का कैटेगरी देखते हैं, शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो शहर में ऐसे कौन कौन से हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका वेंडर्स आ जाएंगे, वर्कर्स आ जाएंगे ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आ जाएंगे, राग पिकर आ जाएंगे कचरा चुनने वाला, ये सब ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, छोटा छोटा फैक्ट्री में काम करने वाला, ये सब शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं वर्कर्स, जिन्हें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वर्कर्स कह सकते हैं। इनके लिए भी क्या करे गवर्नमेंट, क्या करे इनके लिए एडिशनल सपोर्ट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या करे यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स को अप्लाई करवाए, उसे चेक करे ताकि इन लोगों का प्रोटेक्शन हो सके। देखो दो तरह का वर्कर्स बताए, एक ग्रामीण क्षेत्र में ये सब हो गए, शहरी क्षेत्र में जब आते हैं तो ये सब हो गए और इनका प्रोटेक्शन जरूरी है, और एक तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं एससी और एसटी, इनका तो यहां भी कंपैरिजन होता है और साथ ही साथ इनके साथ तो ये वाला सिस्टम आज भी फॉलो किया जा रहा है और इनके वजह से इनको काम भी नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन तो बड़ा दूर का बात है, इनको काम नहीं मिलता है अगर लोग पता कर लेते हैं ये चीजें, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो ये तीन कैटेगरी के लोग अपने इंडिया के अंदर है, गांव में हर शहर में, जिन्हें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वर्कर्स कह सकते हैं और सरकार इन पे काम करे तो इनका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये वर्कर्स जो था ना, सॉरी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गया, अब एक छोटा टॉपिक है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले क्लास में देखेंगे, ये नोट्स की तरह है इसको।